those coaches, and we are working with all the forces there on ground in total coordination. I'm hopeful this will get completed by today evening. What is your perception, sir? How you people are forcing employment, all the can I get the question again, please? How are your professions, sir? How you people are, you know, enforcing your persons of identity? We are prepared for such incidents. Every year, we conduct mock exercises with the railways for such tragedies. And last year, we did about 55 such mock drills. So preparation and coordination with railways is very, very good. Hence, the response was very immediate and very effective. So I'm hopeful that today we should be able to wind it up. NDRF के 9 टीमें हमने तैनात की हैं. पहली टीम हमारी हादसा होने के सवा घंटे के अंदर अंदर वहां पहुंच गई थी. उसके बाद 9 टीमें यानी कुल 300 से अधिक रेस्क्यूज वहां आज की तारीख में एसटीआरएफ और बाकी एजेंसीज के साथ में लगके काम कर रहे हैं, और आशा है कि इसको हम आज पूरा कर पाएंगे. सर, क्या कहना चाहेंगे प्राइम में फिर से, क्या आपको वहां से खबर आ रही है, किस तरह का स्पॉट है और कितनी कुछ क्या कुछ समस्याएं आ रही है आप लोगों को, जिस तरह से इतना भयंकर इतना बड़ा हादसा, शायद जैसा मैं देख रहा हूं तीसरा सबसे बड़ा हादसा हमारे इतिहास में है. इतना लॉस ऑफ लाइफ है और 3 ट्रेन्स का इस तरह कोलाइड होना एक यूनिक इंसिडेंट की तरह देखा जा सकता है. तो जिस फोर्स से ट्रेन्स आपस में कोलाइड की हैं उससे काफी कोचेस आपस में बहुत मैंगल्ड कंडीशन में बहुत आपस में क्रश हो गई हैं, और उनको काट के अंदर जाना और लाइव विक्टिम को नुकसान ना हो उतनी तरतीब से और इतनी ध्यान से जाना, ये हमारे चैलेंजेस हैं ताकि हम किसी को जो जिंदा है अभी तक उसको जरूर जिंदा निकाल पाए. सर, स्पॉट पर एनडीआरएफ के कई तरह के प्लान्स होते हैं, फिलहाल किस प्लान के तहत आप लोग काम कर रहे हैं और प्राइमर फेसी आपकी क्या प्रायोरिटी? हम ट्रायज करते हैं कि किसको पहले मदद की जरूरत है, कौन सी बोगी में लाइव विक्टिम मिलने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है. इंसिडेंट कमांडर वहां के कलेक्टर रेवेन्यू अथॉरिटीज रहती हैं, और जितनी एजेंसीज वहां पे आती हैं उनकी टास्किंग वो कर रहे हैं. तो शुरू से रात से ये अच्छा कोऑर्डिनेशन है, और हमारा और ऑर्डरएफ का टास्क बड़ा डिलिनेटेड है, क्लियर है. उसमें इस तरह हम प्लान करके आपस में मिलजुल के काम करते हैं.